दोस्तों कहते हैं लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों की बातें सुनकर के आप जीवन में नए एक्शन नहीं लेंगे, फिर आप पास्ट में जहां थे आज भी वहीं के वहीं रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त राम प्रकाश ठाकुर और हिमाचल की हसीन वादियों से आज फिर आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये कहानी हो सकता है आपने किताबों में बचपन में पढ़ी भी होगी, परंतु इस कहानी को दोस्तों जरूर पूरा अंत तक देखना। इस कहानी को मैं अमेंडमेंट करके थोड़ा सा आपको अलग तरीके से सुनाऊंगा, जिससे कि आपको निष्कर्ष और मोरल है बहुत अच्छा सीख देने वाला मिलेगा। और दोस्तों ये कहानी है एक बाप बेटे और एक गधे की। एक बाप और बेटा गरीब परिवार से होता है, उनके पास खाने के लिए राशन नहीं होता है। उनके मन में योजना आती है, उनके पास एक छोटा सा गधा होता है कि इस गधे को बाजार में जाकर के बेच दिया जाए, जिसके बदले में हमें पैसे मिलेंगे, उस पैसे का हम राशन लेकर के आएंगे। तो दोनों बाप बेटे तैयार होते हैं, गधे को लेकर के चल पड़ते हैं। दोस्तों मई जून का महीना होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और चलते चलते एक गांव में से वो गुजर रहे होते हैं और गांव वाले उनको देख करके हंसने लग पड़ते हैं। कहते हैं कि इतना गर्मी का मौसम है और गधा इनके साथ है और खुद बेवकूफ दोनों पैदल चले हुए हैं। तो आगे जा करके वो क्या करते हैं, गधे को रोक देते हैं और बेटा बाप से कहता है कि पिताजी आप गधे के ऊपर बैठ जाइए, मैं पैदल चलूंगा, जब मैं थक जाऊंगा तो मैं गधे के ऊपर बैठ जाऊंगा, आप पैदल चलना। तो पिताजी उस गधे के ऊपर बैठ जाते हैं और चलते चलते आगे दूसरा गांव आता है दोस्तों, और गांव के लोग कहते हैं कि कितना निर्दयी बाप है, छोटा सा बेटा है जो पैदल चल रहा है और बाप गधे के ऊपर बैठा हुआ है। और पिताजी के कानों तक वो आवाज़ सुनाई देती है, उसको बहुत ज़्यादा शर्म होती है और आगे जाकर के गधे से उतरता है और अपने बेटे को गधे के ऊपर बिठा देते हैं। बेटा गधे के ऊपर बैठता है, चलते चलते तीसरा गांव आता है, वहाँ पे गांव में बहुत सारी महिलाएं खड़ी होती है। वो जब उस दृश्य को देखती है तो पहले तो हंसती है और फिर कहती है घोर कलयुग आ गया है, कितना बेवकूफ बेटा है, बाप पैदल चल रहा है और खुद गधे के ऊपर बैठा हुआ है। तो बेटे के कानों में ये शब्द जाते हैं, आगे जैसे जा करके बेटा भी उतर जाता है और पिताजी से कहता है कि पिताजी आप गधे के ऊपर बैठिए। पिताजी कहते हैं मैं बैठा था तब भी लोगों ने ये कहा, जब तू बैठा तब भी ये कहा, अब ऐसा करते हैं दोनों गधे के ऊपर बैठते हैं। तो क्या करते हैं, दोनों मिलकर के उस गधे के ऊपर बैठ जाते हैं और फिर चल पड़ते हैं। चलते चलते आगे चौथा गाँव आता है, गाँव में कुछ बुजुर्ग बातें कर रहे होते हैं। जब वो बुजुर्ग उनको देखते हैं कहते हैं कि कितने निर्दयी बाप बेटे हैं, इतना छोटा सा गधा है और दो दो इस गधे के ऊपर बैठे हैं। जब वो उन बुजुर्गों की बात सुनते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है और चलते चलते आगे दोनों गधे से उतर जाते हैं और एक निर्णय लेते हैं कि इस गधे को बांधना है और इस गधे को दोनों कंधे में उठा करके ले जाएंगे। वो क्या करते हैं, एक बड़ा सा डंडा लेते हैं और रस्सी निकालते हैं, रस्सी से उस डंडे से गधे की टांगों को बांध देते हैं और कंधे में दोनों उस गधे को डाल देते हैं। अब गधे को जब कंधे में डाला तो बेटा कहता है कि पापा जी अगर आगे कोई पूछेगा कि गधा आपने कंधे में क्यों डाला है तो हम क्या कहेंगे। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा हम कहेंगे कि ये गधा बीमार हुआ है, हम इसको इलाज करने के लिए बाजार ले जा रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हम इसको बेचने ले जा रहे हैं। तो जैसे दोस्तों दोनों कंधे से उठा करके ले जा रहे थे उसको आगे, आगे एक बहुत बड़ा ब्रिज आता है, पुल आता है और पुल में से उनके हाथों से वो गधा भारी हो जाता है और छूट जाता है। जैसे छूटता है तो वो नीचे नदी में गिर जाता है। जब गधा नदी में गिरा तो गधा वो नदी में बच सकता था, खड़ा हो सकता था, परंतु उसके पांव उन्होंने बांधे थे, वो खड़ा भी नहीं हो सकता था और वो दोनों बाप बेटा तैरना नहीं जानते थे और गधा नदी के साथ बह जाता है और मर जाता है। अब दोस्तों दोनों बाप बेटे रोने लग जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनका एक तो गधा भी नहीं रहा और दूसरा उन्होंने जो सपना देखा था, जो ख्वाब देखा था कि हम इसको बेच करके पैसे कमाएंगे, उसका राशन लाएंगे, वो ख्वाब वो सपना भी उनका पूरी तरह से चकनाचूर हो गया, टूट गया। अब दोस्तों इस कहानी से आपको क्या समझ आता है, पहली बात तो ये है कि जैसे उन बाप बेटे को हर गांव में कोई ना कोई बोलने वाला मिला, वैसे आप जीवन में चाहे कितना भी अच्छा काम करें कोई ना कोई जलने वाला, कोई ना कोई बोलने वाला आपको जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। उनकी बातों को आपने नहीं सुनना है, अगर उनकी बातों को माइंड में लेते रहेंगे तो उस बाप बेटे की तरह आपका सपना भी भविष्य में चकनाचूर हो सकता है।
लोगों का काम है कहना दोस्तों, लोग कहते रहेंगे। हमें अपनी मंजिल की तरफ जाना है, सिर्फ यही देखना कि हमारी मंजिल और हमारा रास्ता सही है या नहीं है। अगर आपकी मंजिल सही है, रास्ता सही है, तो आपको लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए और जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। और दोस्तों, जब हमें दूसरे लोग राय देते हैं, दूसरे लोग हमारी आलोचनाएं करते हैं, हमारी चर्चाएं करते हैं, कुछ बोलते हैं, उन बातों को जब हम माइंड में लेते हैं, तो हम जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, उस लक्ष्य से हम भटक जाते हैं। जब हमारे माइंड में वो बातें जाती है, तो ज़्यादातर हम उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं। जब उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं, तो हम पूरे का पूरा वर्तमान अपना खराब कर देते हैं। फिर हमें डर होता है, एक मन में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एक ऐसा रोग है जो रोग कभी जीवन में ख़त्म नहीं होता है। अगर एक बार जिसको ये रोग लग गया, तो जीवन में जो जो भी वो तरक्की करना चाहता है, वो जीवन में नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आप अपने पास्ट को याद करो। कभी शायद आप अच्छा हेयर स्टाइल रखना चाहते थे, लोगों की डर की वजह से आपने नहीं रखा। कभी आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते थे, लोगों की डर की वजह से आपने वो कपड़े नहीं पहने। कभी आपका शौक कुछ भी हो सकता है, आपके मन में एक डर रहा कि लोग क्या कहेंगे, अगर लोगों ने ऐसा कहा तो मेरे जीवन में मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएगी, उस वजह से आपने वो काम नहीं किए। दोस्तों, जीवन में सिर्फ एक बात याद रखना, कोई भी ऐसा कार्य मत करना जिससे आपके चरित्र में दाग लगे। इसके अलावा आपकी जिंदगी अपनी है, आपके अपने शौक है, हर एक शौक को आप पूरा कर सकते हैं। जीवन में जो जो भी पसंद है आपकी, उन पसंद को पूरा कीजिए। जीवन एक बार मिला है, तो इसको खुशहाल रह करके जीना चाहिए। आज जैसे मैं इस पत्थर के ऊपर बैठ करके इस पहाड़ी में एक वीडियो बना रहा हूं, तो बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि वीडियो बनाने के लिए क्या पहाड़ी, यही पत्थर मिला, या कुछ भी बोल सकते हैं। परंतु मुझे लोगों की केयर नहीं है, मेरा काम है दोस्तों, जो मेरा मन करता है मैं वही करता हूं। क्योंकि कहानी के माध्यम से ना तो मैं आपको हिंदी भाषा सिखा रहा हूं, ना तो मैं किसी तरह के कोई आपको बातें सुना रहा हूं। सिर्फ जो कहानी में ये संदेश होता है, जो निष्कर्ष हम निकालते हैं, जो हमें सीख मिलती है कहानी से, मैं चाहता हूं कि उस सीख को आप अपने जीवन में अपनाएं और एक खुशहाल जीवन का निर्माण करें। खुश रह करके जिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, तभी आप जीवन में नई क्रिएशन कर सकते हैं, तभी आपका माइंड फ्रेश होगा, आप नई नई चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मुझे नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करता है, ताकि भविष्य में मैं आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी और भी वीडियो बना सकूं। बहुत ही जल्द दोस्तों नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना प्यार मुझे यूं ही देते रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।